गाइस, अगर आप भी मेरी तरह अपने सीपी प्लस के डीवीआर का पासवर्ड भूल गए हैं, आपने बहुत कोशिश कर लिया लेकिन पासवर्ड आपको किसी भी तरह से याद नहीं आ रहा है, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने डीवीआर को रीसेट कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अगर हमें अपने डीवीआर को मास्टर रीसेट करना पड़ता है तो उसके बाद के हमारे हार्ड डिस्क में जो रिकॉर्डिंग रहती है, क्या उसे हम प्लेबैक में जाकर देख सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपको इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले आप अपने डीवीआर को ऑफ कर दीजिएगा। डीवीआर को ऑफ करने के बाद आपको डीवीआर में चार स्क्रू लगे हुए रहते हैं, उसे आपको खोलना है। दो स्क्रू डीवीआर के साइड में लगे हुए रहते हैं और दो स्क्रू डीवीआर के पीछे लगे हुए रहते हैं। अब आपको इस ऊपर के कवर को हटा लेना है। अब देखिए, ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है ये सीसीटीवी का मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में एक पॉइंट रहता है जिस पॉइंट में हम शॉर्ट करके मदरबोर्ड को मास्टर रीसेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो पॉइंट कहाँ पे रहता है। ये शॉर्ट करने का जो पॉइंट है ये सीपी प्लस के अलग अलग मॉडल के हिसाब से थोड़े अलग अलग जगह पे रहता है। पहले मैं आपको इस डीवीआर का मॉडल दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, ये है सीपी प्लस का CPUVR 0801E1IC। तो अब देखिए, ये जो डीवीआर है इसमें ये जो शॉर्ट करने का पॉइंट है वो यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए गाइस, इस जगह पर, इस डीवीआर में आपको इस पॉइंट पर शॉर्ट करना है। यहाँ पर देखिए, एक पॉइंट राउंड शेप में है और एक पॉइंट स्क्वायर शेप में है। आपको इन दोनों को आपस में शॉर्ट करना है। वो कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। और देखिए, इसके ठीक नीचे 1 और 2 लिखा हुआ है। आपको अपने डीवीआर में यही पॉइंट ढूंढना है। अगर आपका डीवीआर सीपी प्लस कंपनी का है लेकिन उसका मॉडल अलग है तो हो सकता है कि ये पॉइंट यहाँ पर ना होके यहाँ पर हो, या फिर यहाँ पर भी हो सकता है। ये अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग जगह पे रहता है। इस प्रोसेस को करने से पहले आप हार्ड डिस्क का कनेक्शन खोल दीजिएगा। इस तरह ये दोनों केबल बाहर की तरफ खींच लीजिएगा तो ये खुल जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है। आपको इस तरह का एक प्लकर लेना है, यानी कि चिमटा, या फिर आप चाहे तो एक तार का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स में आपको इस चिमटे को इस तरह से लगाना है। इस तरह से आप इसे लगाकर पकड़ के रखिएगा और अपने सीसीटीवी को ऑन कर दीजिएगा। गाइस, अभी जो आपने बीप का साउंड सुना, ये बीप का साउंड जैसे ही आएगा आपको अपने प्लकर को फिर से छोड़ देना है। इस बीप के साउंड का मतलब है कि आपका डीवीआर रीसेट हो चुका है। अब मैं आपको अपने मॉनिटर में दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये है मेरा डीवीआर और ये है मेरा मॉनिटर। गाइस, आप देख सकते हैं मेरा डीवीआर बिल्कुल रीसेट हो गया है। गाइस, आप वीडियो को देखते देखते एक लाइक कर दीजिए, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे, लाइक किए बिना ही चले जाएंगे। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए गाइस, हमारा जो डीवीआर है ये बिल्कुल फैक्ट्री रीसेट हो चुका है। यानी कि जब हमने डीवीआर को परचेस किया था उस टाइम हमारा डीवीआर जिस कंडीशन में था अभी बिल्कुल उस कंडीशन में आ चुका है। हमें फिर से अपने डीवीआर को सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें रीजन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम इंडिया सिलेक्ट कर देंगे। हमारे डीवीआर में अभी कोई भी पासवर्ड नहीं है, हमें फिर से सब कुछ नए से सेट करना पड़ेगा। और ये जो बीप का साउंड आपको आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि डीवीआर में हार्ड डिस्क अभी लगा हुआ नहीं है। इस डीवीआर को सेट करने के बाद मैं हार्ड डिस्क को कनेक्ट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या मैं प्लेबैक में जाके पहले का रिकॉर्डिंग देख पा रहा हूं या नहीं। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट करना है। यहाँ पर ये चेन्नई कोलकाता मुंबई है ऑलरेडी, यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए गाइस, यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है। अब हमें यहाँ पर फिर से नया पासवर्ड डालना है। इस बार आप जो भी पासवर्ड डालेंगे कृपया करके उसे कहीं लिख के रखिएगा ताकि आपको फिर से इस तरह का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो गाइस, मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है, अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पर आप एक पैटर्न लॉक लगा सकते हैं, मैं फिलहाल इसे स्किप कर दूंगा। यहाँ पर देखिए कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन है, मैं फिलहाल इन्हें ऑफ कर दूंगा। देन मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टअप आ गया है, यहाँ पर हमें नेक्स्ट करना है। यहाँ पर फिर से नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। यहाँ पे जैसे टाइम फॉर्मेट 24 आवर का है, इसे अगर आप 12 आवर कर देंगे तो आपको समझने में आसानी होगी कितना बज रहा है। देन इसे 12 आवर करने के बाद यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। देन फिर से नेक्स्ट करना है। यहाँ पर फिर से नेक्स्ट करना है। यहाँ पर फिर से नेक्स्ट करना है। देन फिर नेक्स्ट 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 ओके। अब हमें यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। अब मैं इस हार्ड डिस्क को फिर से कनेक्ट करूंगा और प्लेबैक में जाके देखूंगा कि जो फुटेज मैं देखना चाहता था, जो मैं पासवर्ड भूल जाने की वजह से नहीं देख पाया, वो अभी मैं देख पाऊंगा या नहीं। तो चलिए अब मैं डीवीआर को ऑफ कर लेता हूँ। अब मैं सीसीटीवी को फिर से ऑन करूंगा। तो ये फिर से ऑन हो चुका है। अब हम देखेंगे प्लेबैक में जाकर। यहाँ पे मैं सर्च पे जाता हूँ,
यहाँ पर अपना पासवर्ड डालता हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेट किया था। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हैं हमारा पुराना रिकॉर्डिंग भी शो हो रहा है, यानी कि डीवीआर को मास्टर रीसेट करने के बाद भी हमारे डीवीआर के हार्ड डिस्क में जो रिकॉर्डिंग था उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो ऐसी वीडियोस रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।